यूपी के सायाहपुर में एक लड़की के लापता होने पर बवाल मच गया। परिजनों ने लड़की के अपहरण का आरोप लगाकर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक चले हंगामे और जाम के बाद कार्रवाई के ठोस आश्वासन पर ही जाम को खुलवाया जा सका। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना थाना निगोही क्षेत्र के पतराजपुर इलाके की है। यहां के रहने वाले प्रेमपाल की बेटी रेखा कल रात को अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए रात में गन्ने में उसकी तलाश की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चल सका। आज सुबह गुस्साए परिजनों ने स्टेट हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर दिया। लगभग 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिसके चलते वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने जाम खोलने से इनकार कर दिया। बाद में पुलिस अधीक्षक के मौके पर पहुंचने और ठोस आश्वासन के बाद ही जाम को खुलवाया जा सका। इस मामले में पुलिस पर लापरवाही का आरोप परिजनों द्वारा लगाया जा रहा है। तो लड़की लंकिया बांध के फिर छोटी पड़िया फॉल में गई थी। तब उसकी 5 मिनट में पता नहीं क्या हुआ, गायब हो गई, किसी ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद में शाम को हम सब लोगों ने ढूंढा, कहीं नहीं मिली। तो उसके बाद में दूसरी जगह ढूंढा जाकर, तो वहाँ कुछ चब्बर मिली, इसलिए पुलिस वालों ने मना कर दिया वहाँ ढूंढने के लिए। उन्होंने कहा अगर ज़्यादा दिक्कत कानून अपने हाथ में लोगे तो तुम लोगों का चालान कर देंगे। उसी वजह से फिर हम लोगों ने सुबह को जाम लगाई रोड पे। तब कप्तान साहब आए, उन्होंने कहा 24 घंटे में फिलहाल ढूंढ कर देंगे।